अकोला महाराष्ट्र के दंपत्ति परिवार के साथ ज्योतिर्लिंग दर्शन कर वापस लौट रहे थे। ओमकारेश्वर से 4 किलोमीटर दूर गाड़ी खराब हो गई। तभी 3 आरोपी लूट की नियत से पहुंचे और दंपत्ति को लूटने का प्रयास किया। तभी महिला ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी के हाथ से पिस्तल छुड़ाकर उसी पर अड़ा दी। घबराए आरोपी बाइक छोड़ जंगल की ओर भाग गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला तत्काल संज्ञान में लिया और आरोपियों को 1 घंटे में पकड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने खंडवा SP विवेक सिंह के निर्देशन में घेराबंदी कर 4 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से 2 बाइक, देसी पिस्तौल और मोबाइल के साथ सोने की चेन का पेंडल बरामद हुआ है। ओमकारेश्वर से मोहित साहू की रिपोर्ट। उनकी है ना चेन तोड़ ली पूरी, और मेरी पकड़ने गए तो मैंने उनकी बंदूक पकड़ के उन पे ही तान दी, तो फिर वो भग गए कि ये चला ना दे करके सच्ची। हाँ तो फिर इन्होंने गेट को यानी फिर निकल गए, हम लोग बंदूकें हमारे इसमें डाल ली और निकल गए। फिर ये क्या बोले रिपोर्ट देते, तो बोले रिपोर्ट कुछ देते नहीं, पर ये बोले नहीं इनकी बोले हिम्मत और बढ़ जाएंगी बोले अगर रिपोर्ट नहीं देंगे तो। तो फिर हम लोग उनके पीछे ही आ गए, तो और आगे आगे भग रहे, तो फिर मैंने इनको बोली बोले गाड़ी से गिरा दो उन तीनों को, तो गाड़ी गिरा दी उनकी। तो गाड़ी गिरने के बाद में वो हमने गेट खोले जब तक वो तीनों लोग भग गए। हमें 18 जुलाई 2021 को सुबह के समय अकोला महाराष्ट्र के पृथ्वीलाल जोशी अपने परिवार से ओंकारेश्वर भगवान के दर्शन करने के पश्चात वापस जा रहे थे। कोठी तराहे के पास में 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने, जिसमें कि एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार थे, एक पर सिंगल व्यक्ति था, पृथ्वीलाल जोशी की कार को रुकवाया कि आपकी गाड़ी का पहिया पंचर हो गया है। जैसी कार रुकी, इन्हीं 4 लोगों ने जो कि नकाब पहने हुए थे कट्टा अड़ाया और उनके गले की सोने की चेन छीनी। इसी दौरान छीनने के पश्चात जो आवाज़ हुई तो फिर वो लोग भाग गए, एक मोटरसाइकिल वहीं छोड़कर चले गए। इसके बाद तत्काल ये वापस कोठी तराहे से आए, थाना मानदेवता पर रिपोर्ट दर्ज करवाई, पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया गया। फिर उनके निर्देश में और SDP बूंदी राकेश पेंद्रो के निर्देशन में अलग अलग स्थानों पर 3 टीम बनाकर भेजी गई। एक टीम में शिवराम जमरा, दूसरी टीम में सईदे और तीसरी टीम में लखनलाल मालवी। ये तीनों टीम अपने अपने अलग अलग एरिया को एंगल को लेकर के पहुंची और वहीं पर जंगल में ये बदमाश छिपे हुए थे, जिनको जाकर के पकड़ लिया गया और इनसे 2 मोटरसाइकिल, लूटी गई चेन, 1 कट्टा और मोटरसाइकिल मोबाइल बरामद किया गया है और इनको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया है। 1 दिन के लिए रिमांड मांगा गया है। इसमें 4 व्यक्ति जो लड़के हैं 19 से 20 वर्ष के हैं, एक सुरेश नायक 18 वर्ष का है, अभिषेक राजपूत 20 वर्ष का है, रोहित धार्मिक 20 वर्ष का है और प्रदमन गुर्जर 19 वर्ष। ये चारों ही हरदा के रहने वाले हैं जिन्होंने ये लूट की वारदात को अंजाम दिया था।